मेष राशि, जो लोग अध्ययन में कार्यरत हैं, उनकी मेहनत का फल पाने के लिए ये एक अच्छा समय है। यही चीज काम कर रहे पेशेवरों के लिए भी लागू होती है। सफलता और प्रशंसा आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपने कोई निवेश किया है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए निवेश की योजनाओं को आज ठंडे बस्ते में डाल दें और शुभ समय का इंतजार करें। वृषभ राशि, आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय ये मदद लौटाने का है। अब आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। हो सकता है आज आपको देर तक काम करना पड़े और ये आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा। मिथुन राशि, आप ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जो आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारी की आपूर्ति कर सके। आप कुछ बड़ा सोच रहे हो और इस जोखिम को लेने के लिए ये सही समय है। महत्वहीन मुद्दों के हल के लिए अपने समय की बचत करें। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं, अर्थात आमदनी के हिसाब से धन को खर्च करें। यदि संभव हो तो अपनी सफलता का जश्न मनाने का इरादा स्थगित कर दें। कर्क राशि, आज आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नहीं कि वो खर्चे दूर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि इसलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे। ये ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं, जो कि बुद्धिमता वाला काम है, लेकिन आज आप अपने और अपने किसी खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट है, उसके लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। सिंह राशि, आज आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना होगा और उन पर पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे आगे आकर विराट रूप धारण कर लेते हैं। हालांकि आपकी व्यक्तिगत जरूरतें कम हैं, पर फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि भविष्य में धन की समस्या उत्पन्न ना हो। आपको कुछ अन्य कार्यों के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि आपकी आय बढ़ सके। कन्या राशि, हालांकि आप अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में स्थापित हैं, पर आज आप अपने काम में बेचैनी महसूस करेंगे। किसी चीज को लेकर आप में असंतोष की भावना आपको परेशान करेगी। अभी आपका नौकरी छोड़ने का कदम बेवकूफी भरा हो सकता है। ये क्षणिक भावनाएं जिससे आप गुमराह हो सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रमुख करियर निर्णय लेने से बचें। तुला राशि, किसी भ्रम की स्थिति आज आपके कार्य क्षेत्र में आने की संभावना है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। आज आपको किसी व्यापार में शामिल होने का मौका मिल सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सावधानी पूर्वक विचार अवश्य कर लें। वृश्चिक राशि, नए और अलग अलग कार्य करने के अवसर आज आपके रास्ते में आएंगे। आज नए ग्राहक और विभिन्न परियोजनाएं आपके पास आ सकती हैं। कुछ में तो इतनी संभावना होगी कि वो आपकी सपनों की या महत्वपूर्ण परियोजना भी बन सकती है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको आज अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और आप इसे करते हुए आनंद महसूस करेंगे। धनु राशि, आज का दिन अपने विरोधियों को आमंत्रित करने एवं अपने बुनियादी ढांचे और अपनी ताकत को दिखाने का एक सही दिन है। इसकी वजह से आपके ध्रुव विरोधी बोली से पहले हार जाएंगे और किसी परियोजना पर आप अपने हस्ताक्षर कर पाएंगे, जो आपके व्यवसाय को और भी आगे ले जाएगा। उच्च प्रतिष्ठा वाला पद आज आपको प्रदान होगा, जो कि आपकी ताकत और धन में वृद्धि करेगा। मकर राशि, आपने हाल ही में जो कड़ी मेहनत की है, उसकी हर दिशा से तारीफ होगी। आपको एक बोनस या एक लंबे समय से वेतन वृद्धि की चाह थी, वो भी आज पूरी होती दिख रही है। आपको एक अच्छे वित्तीय अवसर की पेशकश भी की जा सकती है, जिसकी अपेक्षा आपको नहीं थी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा मौका नहीं है, लेकिन ये संतोष की एक अच्छी भावना के रूप में आपके सामने आएगा। कुंभ राशि, आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है। आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। हम सब जानते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अपने अपव्यय करने की आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ सकती है। ये समय उनके सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कम करने का है। मीन राशि,
ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव के तहत आज आप अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इन आवाजों के गहरे अर्थ को आप समझने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। इसके अलावा स्पष्ट रूप से अपने आप को व्यक्त करने में संकोच ना करें। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और घुमा फिराकर कहने से बचें।